दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम अभी यू वाचिंग बिजनेस जेम। वीडियो को स्किप मत करके आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। डिटर्जेंट पाउडर का फुल डिटेल्स देंगे, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, सस्ता दाम पे आपको रॉ मटेरियल या मशीन कहाँ पे आपको खरीदना है, पाउच पैकेट आपको कहाँ से खरीदना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे आपको ये मिक्सिंग करना है, कैसे आपको पाउडर बनाना है, डिटर्जेंट पाउडर के बारे में ए टू जेड बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट कर देते दोस्तों। ये जो फैक्ट्री पे हम आ गए आप लोगों के लिए, यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग होता है दोस्तों। आप लोग यहाँ से डिटर्जेंट पाउडर आसानी से खरीद सकते हो दोस्तों। डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करना है और जिस वीडियो पे आपको सिखाएंगे कहाँ से आपको माल मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इस फैक्ट्री पे आप आके आप और आसानी से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, मशीन वगैरह सब कुछ खरीद सकते हो। देखिए भर भर के यहाँ पे स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक का कोई कमी नहीं है। आप लोग आसानी से ये स्टॉक का रेट आपको पता चलना है, ये रेट कितना पड़ेगा दोस्तों, तो इसका रेट भी बहुत कम है दोस्तों। आप यहाँ से माल लेके कम से कम 35 या 30 के अंदर आसानी से आप माल बना सकते हो और उसको मार्केट में सेल कर सकते हो 40-45 में दोस्तों। इस वीडियो बहुत काम का होने वाला है और ये बिजनेस आपको बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग जा रहा है ये डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, हर कोई कर रहा है, मगर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। मार्जिन बहुत थोड़ा है, मगर मार्केट के ऊपर आपका मार्जिन रहेगा और मशीन वगैरह आप यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी रहेगा और आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और लिंक वगैरह हम दे देंगे वेबसाइट का दोस्तों। ये बिजनेस करके आप लाखों रुपया कमा सकते हो और महीना का आप थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर सब कुछ डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर दोस्तों। अच्छा मार्केटिंग करोगे तभी आपका बिजनेस दौड़ेगा। आपका मार्केटिंग के लिए एक टीम आपको सेटअप करना पड़ेगा जो 24 आवर्स काम में लगा रहे, तभी आपका कंपनी ग्रो होगा दोस्तों। आप लोग सोचोगे नहीं हम काम में कुछ किसी को हम रखेंगे नहीं, तो आप एक काम बना हुआ माल लीजिए और सेल करिए, और किसी ब्रांडिंग जैसी ब्रांड कंपनी का आप माल लेके आप सेल कर सकते हो दोस्तों। मगर ऐसा करके आपका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, उसी कंपनी का बेनिफिट रहेगा जिसका आप प्रचार कर रहे हो या एडवर्टाइज़ कर रहे हो, मगर ऐसा तो करना नहीं चाहिए। आपका खुद का ब्रांड बनाओ और ये कंपनी खड़ा करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करने के लिए आपको 2-3 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है मशीन के ऊपर और पाउच पैकेट के ऊपर, और खर्चा नहीं होता है। और रॉ मटेरियल तो आपको बहुत ही आसानी से कम दाम में मिल जाएगा, कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको रॉ मटेरियल भर भर के मिल जाएगा, मगर इसका रेट उतना ही पड़ेगा जैसे कि पाउच पैकेट के ऊपर। कम से कम पाउच पैकेट के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा 1.5 से 2 लाख रुपया आपको पाउच पैकेट के ऊपर रेंट करना पड़ेगा, और आपको मशीन आपको मिल जाएगा 2 से 3 लाख रुपया पे, आपको मशीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ब्रांडिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल हो या टीवी या रेडियो में आप या ऑनलाइन के थ्रू वर्चुअल भी आप एडवर्टाइज़ दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि सब कुछ काम जैसे खेल होता है एडवर्टाइज़ का, जिसका जनता है उसका सब सुनता है, जिसके पास जो दिखता है वही बिकता है। कहावत है।